कि हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा नौवीं की गणित अध्याय एक है और पाठ का नाम है आपका संख्या पद्धति। और आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उदाहरण 15। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे निम्नलिखित व्यंजकों को सरल करना सिखाएंगे। आपको इस प्रकार के व्यंजक दिए होते हैं उनको कैसे सरल करने के सिंपल तरीके में बताए हैं, बस आपको वीडियो क्या करना, लास्ट तक देखना है। और भैया इसमें पेपर में करे बात, त्रैमासिक पेपर में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा व्यंजक को सरल करना। इस प्रकार के व्यंजक आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल है। इसमें अपरिमेय संख्या तो इनको क्या परिमेय भी शामिल है, इसमें एक परिमेय एक अपरिमेय दो ही मिली है तो इनको नाम दे दिया इनका व्यंजक। तो बोल सकते हैं अपन परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल भी बोल सकते हैं। तो भैया इनको गुणन अपन अपरिमेय अपरिमेय भी है परिमेय परिमेय, तो इनको सीधा नाम दे दिया व्यंजक, नाम दिया व्यंजक, ठीक है। तो इन व्यंजकों को आपने सरल करना सीखना, तो कैसे सीखना भैया, और आपको परिमेय परिमेय में गुणा तो बनता है, नियम भी पता होगा, नहीं पता तो बताएं इस वीडियो में बने रहे। और इससे त्रिमासिक परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए वीडियो पूरा देखने लास्ट तक देखने बने रहे वीडियो में। और अगर आपको हमारे वीडियो पर नए हो और वीडियो देख रहे हैं तो लाइक और शेयर और जरूर कर दियो, ठीक है, तो कर दियो कम कर सुनिए ना, अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिए। लेकिन बेस में भी तुम्हारा पूरा वीडियो देख लो तो कच्छ में तो कच्छ समझ में आया, जो कह रहा है कि कुछ ना कुछ समझ में जरूर है। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, एक तो पूरा वीडियो देखा ही नहीं आज तक हो गया, थोड़ी सा देखते हो फिर चुटू सा देखते हो भाग जाते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या करना, वैसा ही जैसे एक्स वाई जेड की गुणा करते हैं, एक्स वाई जेड मान लीजिए आपका जो रूल लगा तो इसको मान लीजिए पूरा एक्स वाला पद है, जे एक्स वाला है, तो इनका कैसे गुणा करते हैं, वैसे ही कर देते हैं और जो जुड़ता था जो समान रहता तो उनको जोड़ देते, जो असमान मतलब समान पद जुड़ जाते थे, असमान पद नहीं जोड़ देते, यही कहते हैं भैया। अब समान पद कैसे होते हैं, जो रूट के अंदर एक से होंगे तो उनके समान पद कहलाएंगे, रूट के अंदर जो एक सी संख्या होगी समान पद, जिन अलग अलग होगी तो भी असमान कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसका गुणा करवाते हैं, पहले तो गुणा करेंगे, इसमें दो पद है इसमें भी दो पद, पहले पद का दो दे गुणा करेंगे, एक दे इसमें करना पड़ेगा, तो पहले कर लो तीन, इसमें करो पहले इसमें तीन दुना छह, तीन भी प्लस का दो भी प्लस, प्लस प्लस का तीन दुना छह भी प्लस का, छह में प्लस चिन्ह लगाने कोई जरूरत नहीं क्योंकि छह प्लस ही में है, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें भी करवाएंगे क्योंकि एक एक तो तुम्हारी परिमेय है, एक अपरिमेय, तो इनका गुणा होगा नहीं, हमने बताया था कि परिमेय 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 का गुणा होगा और अपरिमेय अपरिमेय का गुणा होगा। देखो इधर ध्यान देना, परिमेय परिमेय का परिमेय में गुणा होगा, ठीक है, और अपरिमेय का अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा होगा, नहीं तो कोने में गुणा ना हो। अगर दोनों को अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करें, परिमेय अपरिमेय को गुणा करें, सो परिमेय अपरिमेय जैसे कितने लिखे हैं, दो गुणा के रूप में लिखे हैं, तो देखो इनको जब तुम्हारी परिमेय परिमेय थे तीन न छह हो गया, और अब परिमेय और अपरिमेय को गुणा हुई तो भाई गुणा तो होगा नहीं, परिमेय है कैसे एक अपरिमेय, तो गुणा होगा नहीं, समान पद की गुणा किए जाए, बस एक सौ होना चाहिए तभी गुणा होगी। अब अपरिमेय का अपरिमेय में गुणा हो जाता है, परिमेय का अपरिमेय में गुणा थोड़ी होता, नहीं होगा ना, तो प्लस जय कहते हैं जे प्लस का था जे प्लस का, तो प्लस और जे गुणा के रूप में तीन रूट के पांच इस तरीके से लिख जाएंगे आपका, तीन जय कहते हैं इनको गुणा के रूप में लिख दिया, तीन तीन और रूट के पांच उनको चिपका के लिख दिया गुणा के रूप में, इस रूप को बोलते हैं कि गुणा का रूप, गुणा के रूप में लिखे हैं जितने। अब आपको ऐसे जे अलग अलग है, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो गुणा होगा नहीं, तो इनको गुणा होगा नहीं, तो दो को उंगाली लिख देना संख्या को और रूट को साथ को पीछे लिख देना, ठीक है। फिर आपका अपरिमेय अपरिमेय का हमने बताया था कि गुणा हो जाता है, अपरिमेय अपरिमेय का गुणा हो जाता है, तो भैया अपरिमेय अपरिमेय का गुणा अंदर होगा रूट में, तो रूट पांच सता पैंतीस हो जाएगा, पांच सता पैंतीस कितना हो जाएगा, पांच सता पैंतीस, इसका आंसर कितना आएगा, छह प्लस के तीन रूट के पांच, दो रूट के साथ प्लस के पैंतीस, ठीक है, इतना आंसर आएगा। अब इसमें हमने बताया था कि समान पद होंगे तो जुड़ेंगे रूट के पछाए, अब इसमें रूट रूट है पांच है, इसमें रूट के सात है, इसमें रूट के पैंतीस है, सब अलग है अलग अलग, कोई जो छह है तो जो सब अलग अलग है तो कोई समान नहीं है, तो जो समान होता तो जुड़ता, वह समान है तो सब जैन कहते हैं रहेगा, अब यहीं पर देखने को मिलेगा कौन कौन में समान आते हैं। अब वैसे ही कार्यक्रमी में कहने परिमेय का परिमेय गुणा करेंगे तो हो जाता, हमने क्या कहा था परिमेय का परिमेय में गुणा हो जाता, तो परिमेय का परिमेय करेंगे परिचम पच्चीस हो गया। अब एक परिमेय है एक अपरिमेय का गुणा होगा तो परिमेय और परिमेय का गुणा के रूप में लिख दें पांच रूट के पांच,
एक प्लस की थी जा आपकी प्लस की थी जा माइनस की, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। अब जब प्लस को गुणा प्लस वाले में होगा, इधर प्लस है प्लस को गुणा प्लस में होगा प्लस, और जे एक अपर में है एक पर में, तो इनको गुणा होगा नहीं, गुणा के रूप में लिखेंगे तो पांच रूट के पांच जाएंगे। अब अपर में का अपर में कर दो सो भैया के तो आ जाना रूट के पच्चीस, पचम पच्चीस हो गया। तो पर में का बस सॉरी अपर में गुणा करवा दिया तो उनका आंसर हो गया पचम पच्चीस। अब बताओ इसमें कोई समान है? हाँ है ना समान, देखो इसके पीछे भी पांच है रूट पांच है, इसके पीछे भी रूट पांच, जोड़ घट जाएंगे रूट पांच है रूट पांच में तो समान पता तो जोड़े घटेंगे तो पच्चीस जेंगे तीन लिख देंगे अपन। अब जे और जे तो किसी और से मिल ही जाए तो कहां से घटा देंगे। अब बताओ प्लस का जे है माइनस का जे, पांच रूट पांच में से पांच रूट के पांच घट जाएंगे तो पांच रूट पांच में से पांच रूट पांच घट जाएंगे जीरो बचा, इधर कुछ नहीं बचा, इसको हटा देंगे रूट पच्चीस आ जाएंगे जेंगे तीन ठीक है। रूट पच्चीस आपको रूट पच्चीस का मान पता हो देना चाहिए, पच्चीस माने रूट पच्चीस मतलब पच्चीस का वर्गमूल कितना होता है पांच, पांच आ जाएगा, पच्चीस में से पांच घटेगा तो क्या आ जाएगा बीस, इसका आंसर आ जाएगा ठीक है, कितना आ जाएगा बीस आ जाएगा। तो वैसे ही करना है, बहुत सिंपल है, इसको आपको जे वाला है तो इसको अब इसको मैं कहना है कि घात दो लगे, जिस पे भी घात दो लगी हो या घात स्क्वायर लगे हो, इसको स्क्वायर भी बोलना चाहता है या वर्ग भी बोल दिया, घात दो बोल दो अपनी भाषा में, चार भी कुछ बोल सकते हैं। घात दो लिखिए, दो बार दो लिखिए तो दो भी गुणा में लिख देना, रूट के तीन प्लस के रूट के सात, एक भी गुणा में एक भी और लिख देना, कैसे जितनी घातें हो तो उतनी बार इनको गुणा में लिखना होता है, तो दो भी लिखिए दो घात थी एक भी हो गया दो भी गुणा में लिख दिया। अब आपको गुणा करवाने अपर में ही है, जा भी अपर में दोनों अपर में का गुणा होगा कितना अंदर होगा रूट के नौ आ जाएगा, तीन तक का नौ हो जाएगा प्लस, फिर अपर में का अंदर फिर कितना हो जाएगा सात तीजा एक रूट का अंदर अंदर हो गया रूट चल के चलेगा, अभी हम रूट खोली नहीं बाद में खोले, इसका फिर कर दो कितना हो जाएगा सात तीजा इक्कीस, इसका भी हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा सतासी उनचास। अब भैया रूट तीन का वर्गमूल कितना होता है, रूट तीन का वर्गमूल होता है तीन और रूट इक्कीस, इनके समान है जी एक से तो एक एक रूट जुड़ेगा, इनका गुणांक एक होता है इनका गुणांक एक होता है, एक एक जुड़ जाएंगे दो रूट के इक्कीस हो जाएंगे, जैसे चर में जुड़ जाता है एक्स प्लस के एक्स जोड़ते हैं उनने की इसका गुणांक समान है तो एक गुणांक जुड़ जाएंगे और चर जाएंगे, तो इसलिए ऐसे इनको कि इनके समान पद हैं जे जाएंगे तो समान और उनके गुणांक जुड़ जाएंगे एक एक जुड़ जाएंगे दो हो जाएंगे, रूट को इक्कीस एक कहते हैं रूट को इक्कीस है तो एक एक जोड़ सकते तो दो रूट के इक्कीस हो जाएगा। उनचास का वर्गमूल निकालेगा सात, उनचास का वर्गमूल कितना होता है सात, वर्गमूल आना चाहिए नौवीं में वर्गमूल निकालना सीखा है ठीक है, और सात और तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दस और प्लस के रूट के दो इक्कीस, रूट के दो इक्कीस अब इससे ज्यादा इसको हल नहीं कर सकते, आंसर आंसर अगर आपसे वर्गमूल नहीं निकालना तो वर्गमूल के लिए देखो आपका जैसे रूट नौ का वर्गमूल निकालना, पहले तो जाकर रूट के नौ के गुणा नौ के पहले गुणा नौ के गुणनखंड करो तो तीन गुणे तीन आते हैं गुणन करो जोड़ा बारह निकला रूट से तो तीन जोड़ा निकलेगा बस होगा तीन आ गया दो आ गए। अब उनचास को निकालना तो पहले उनचास के जाए गुणनखंड करो तो उनचास गुणनखंड के तो सात गुणे सात और जोड़ा बन के निकल बारह वर्गमूल सात आ गए, ऐसे वर्गमूल निकल आते ठीक है। बस इसके लिए क्वेश्चन एक और बचा आपका जी और बचा जी चौथा वाला देख रहा हो चाहे देख रहा हो पता नहीं, अब आपको तो देख रहा हो देख रहे हैं कि रूट के ग्यारह माइनस के रूट के साथ रूट के ग्यारह माइनस के रूट के साथ इसका अवगुणा करवा दें आपका, तो रूट के ग्यारह माइनस रूट के साथ गुणे रूट के ग्यारह प्लस के रूट के साथ गुणा करवाना जी, अपर में का गुणा होगा तो कितना आ जाएगा ग्यारह गुण ग्यारह कहेंगे तो एक सौ इक्कीस आ जाएगा माइनस, या तो फिर आप लोग सीधा सीधा ग्यारह गुण ग्यारह सीधे लिख दो ग्यारह ग्यारह गुण ग्यारह ठीक है ऐसा लिख दो और इसका इसमें करोगे ग्यारह सात कितना हो जाएगा सतहत्तर, ग्यारह गुण सात करो ग्यारह ग्यारह गुण सात करो ग्यारह सात सतहत्तर ठीक है, और फिर माइनस जे जे प्लस जे आपका प्लस का था सतहत्तर भी प्लस का आएगा माइनस का रूट का है जे माइनस का तो इसका माइनस कैसे होगा तो माइनस ग्यारह सौ सतहत्तर जे हो जाएगा सतहत्तर और इधर क्या आ जाएगा माइनस सात गुणे रूट के सात गुणे सात दो देखा दिए
जैसे सीधे 11 कॉमन है तो भैया दोनों में दो जोड़ा बन गया तो 11 12 निकल आएगा, और रूट के 77 में से रूट के 77 का क्वेश्चन इधर 7 कॉमन निकल आएगा तो इधर माइनस था 7 आ जाएगा, और उसके अलावा 7 घटेगा तो 4 आंसर आ जाएगा। ऐसा कर देना बढ़िया बेहतरीन तरीका, चाहे आप ऐसे ही लगा दो जैसे पैसे भर दूँ क्या गुणा कर दूँ वैसे ही कर सकते, कुछ भी तरीका अपनाओ वैसे आंसर आएगा एक सही जैसा यार। ठीक है, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जैसे